नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लगभग अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में सुबोध कुमार ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 248 आपूर्ति जन वितरण दुकानदारों के द्वारा लगभग 5 लाख की आबादी में 32,000 क्विंटल अनाज का वितरण किया जाता है और बहुत सुचारू ढंग से इस पूरी व्यवस्था को चलाया जा रहा है। कहा कि उनके कार्यकाल में किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर कोई शिकायत नहीं हुई, जिसे कई बार जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। विदाई समारोह में लगभग 3 प्रखंडों के जन वितरण दुकानदार सहित पंचायत पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर निरसा अंचल अधिकारी नितिन गुप्ता भी उपस्थित होकर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सुबोध कुमार की काफी प्रशंसा की और कहा कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपूर्ति विभाग का संचालन सफलतापूर्वक किया, जिसके लिए वह हमेशा बधाई के पात्र हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद ईश्वर से कामना है कि वह अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें। नौकरी में आने के पूर्व इस संस्था से मैं भी जुड़ा रहा था। ये मीडिया से लोगों को हम पत्रकार को यही को नहीं मानते हैं। मैं अपने छोटा भाई मतलब ये उपस्थित साथ ही बिहार सुरक्षा योजना के कवर 70,000 नौकरी में आना जाना ज्वाइन करना रिटायरमेंट दिया है। सबसे बड़ी चीज मानव के जीवन में है मान सम्मान। अंचल अधिकारी निरसा के रूप में मुझे लगभग 1 साल हुआ है यहाँ पे। एमओ साहब बहुत पहले से यहाँ पर है। पिछले 2-3 महीना में चुनाव के काम से एमओ साहब हमारे यारों रहे हैं, तो इस दरमियान हम लोग की बहुत ज्यादा बातचीत वगैरह होते रहती। एमओ साहब के बारे में क्या कहें क्या कहा जाए, वो तो आप लोग के बातचीत से या आप लोग के व्यवहार से आप लोग के आपको से पहले आंसू से समझ में आ रहा है कि ये संबंध कैसा रहा है आपके और इनके बीच में। सेवानिवृत्ति या ट्रांसफर सर्विस का एक स्वाभाविक नियम है, रूल है।